एक से मोहब्बत दूसरे से नफरत, कावड़ियों पर बरसे फूल तो भड़क गए ओवैसी। बोले एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट, दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों। कहा पुलिस करती है कावड़ियों की मालिश, तो बीजेपी ने भी किया पलटवार। कांवड़ियों के सम्मान की सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कहीं पुलिस कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार करती दिखाई दी, तो कहीं पुलिस वाले कांवड़ियों के पैर में लोशन लगाकर मालिश करते दिखाई दिए। सीएम योगी ने खुद हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वे किया। अब कांवड़ियों के इसी सम्मान पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के होदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है गाजियाबाद में, आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई। अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 लगाते आप, तो आप हमसे, हम बीजेपी भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास, सब बकवास है। अगर सबका साथ है सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना भाई। आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना से ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। बीजेपी की तरफ से यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने ओवैसी पर पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ओवैसी फिजूल की बातें करते हैं, वो कांवड़ यात्रा के महत्व को पढ़ें और देश विरोधी बातें करना बंद करें। तीर्थयात्रियों की सेवा करना परंपरा है, भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले इस बयान की मैं निंदा करता हूँ। इसी तरह बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो पूछ रहे हैं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आया, ये भी कोई सवाल है भला? पैसा वहीं से आ रहा है जहां से हज यात्रियों और हज हाउस के लिए आता था। शलभ मणि ने कहा पैसा वहीं से आ रहा है जहाँ से मुफ्त की रोजा इफ्तारी के लिए आता था। खैर, ओवैसी के ट्वीट के साथ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ऐसी ही और भी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।